Welcome back to the final session of this particular chapter. Now, the next concept is about the optical instruments. और जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप की बात करेंगे. तो सबसे पहले इफ आई से अबाउट द कंसेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, उसके जो डेरिवेशन पॉइंट्स है, डेरिवेशन पॉइंट्स में से कितने फॉर्मूले आपको याद रखना है. तो बेसिकली मैंने पूरी थियरी में से आपको यहाँ पर दो फॉर्मूला विथ लाइन वर्ड आपको दिए हुए हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वही इंपॉर्टेंट है, उस पर से ही आपको हिंट मिलेगा एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए. सो वो क्या है वो देखिए, इमेज फॉर्मेशन, लुक एट ओवर हियर, यहाँ भी क्या है, इमेज फॉर्मेशन, लेकिन कहाँ पर, फर्स्ट में देखिए, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और सेकेंड में देखिए, एट इंफिनिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर द की वर्ड्स फॉर एमसीक्यू सॉल्यूशंस. यहां पहला जो फॉर्मूला है वो इमेज फॉर्मेशन कहां पर कंसीडर किया गया है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो उस केस में यहां पर मैं सिंपली आपको फॉर्मूला बोलना चाहता हूं, एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 plus d by f, लेकिन जैसे ही इंफिनिटी में जाओगे ये 1 plus नहीं आएगा, सिंपली वहां पर क्या होगा, d by f. आपको याद है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन माने ह्यूमन आई की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हमको जब क्लियर इमेज देखनी होती है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर. आर यू एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला और द कंसेप्ट? यस, वो आपको याद करना है, 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट. और दो इक्वेशंस यहां हमने रिकॉल किए सिंपल माइक्रोस्कोप के पॉइंट में. उसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सी, आई वुड से दैट बहुत सिंपल पॉइंट है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप माने इटसेल्फ जो सिंपल माइक्रोस्कोप था वो तो आ ही गया, लेकिन हमको अभी क्या करना है, मैग्निफिकेशन बढ़ाना है. माने यहाँ पर एक सिंपल आईपीस लेंस के साथ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव, माने कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज आर गोइंग टू बी यूज्ड ओवर हियर. एमओ इंटू एमई मैग्निफिकेशन लेवल. फिर से आप दो डिफरेंट फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो, जैसा मैंने माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए बोला, वही वर्ड आप, मैं जो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देखिए, एट द सेम टाइम सेकेंड पॉइंट में भी आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला याद रखने हैं. सिंपली उस केस में भी आपको रिलेट कैसे करना है, एम इज इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू द ब्रैकेट 1 plus d upon f e. ये देखा, जो डिस्टिंक्ट विजन था तो उसमें 1 plus आएगा, यहां पर जो इन्फिनिटी पर है वहां पर 1 plus नहीं आएगा. ये एल अपॉन एफ ओ, यहां पर हम जो इंडिकेट कर रहे हैं सिंपली v o upon u o की जगह हमने डेरिवेशन में एग्जैक्टली इसको रिलेशन भी प्रूव किया था. टेन थीटा का कंसेप्ट भी हमने यहाँ पर कंसिडर ऑलरेडी किया हुआ है, जब आप हमारे मॉड्यूल में देखेंगे तो पूरा डेरिवेशन आपको पता चलेगा. लेकिन अभी ये फॉर्मूला को अच्छी तरह से रिकॉल करना इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट? एंड द फाइनली लास्ट वन, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप के बारे में अगर हम सिंपली बात करें तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स विच आर अवेलेबल. उसमें सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके बाद सेकेंड जो है वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, थर्ड वन जो है दैट इज गैलीलियोज टेलीस्कोप, एंड फोर्थ वन दैट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. बेसिकली फोर डिफरेंट टाइप्स आर अवेलेबल. यहां पर सिंपली इफ आई गो थ्रू द फर्स्ट वन, कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, एफ ओ अपॉन एफ ई.
फिर सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, आपको कई बार डिस्टेंस पूछते हैं किसका, बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। सिंपली क्या करना है, एफ ओ प्लस एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, दोनों को आपको ऐड कर देना है। एट द सेम टाइम जब आप फाइनल इमेज, जब आप फाइनल इमेज यहां पर कंसीडर करते हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उसके केस में ये जो एफ ओ अपॉन एफ ई है वही आपको यहां पर रिप्लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी वन प्लस एफ ई अपॉन डी तो है ही। याद रखना ये टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप से आपको उल्टी टेक्निक याद रखना है। जैसे वहां पर डी अपॉन एफ था, यहां पर एफ अपॉन डी आ रहा है। दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच यू कैन कंपेयर। एट द सेम टाइम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के लिए आपको ये फॉर्मूला यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट यू हैव टू रिकॉल। उस केस में यहां आप देख सकते हो कि जैसे यहां पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एम इज इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई फॉर्मूला था, यू कैन ऑल्सो से दैट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में भी आप देख सकते हो। उसके बाद ये मैग्निफिकेशन के बाद डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये 4f का डिटेल रिलेशन भी हमने डेरिवेशन पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है, विच इज अवेलेबल इन अवर मॉड्यूल, एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ ई डैश। अभी सिंपली फॉर्मूला रिकॉल करना और उसके ऊपर से एमसीक्यू सॉल्व करना है। द लास्ट टू फॉर्मूला, वन इज फॉर गैलीलियोस टेलीस्कोप, दैट इज एफ ओ अपॉन एफ ई, डिस्टेंस में यहां पर माइनस आएगा, तो रिलेटिव पॉइंट्स को रिकॉल करके याद करना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एफ ओ अपॉन एफ ई, ये जो एफ ओ की वैल्यू है यहां पर, दैट वुड बी कंसिडर्ड विद द आर बाय टू वैल्यू अपॉन एफ ई। सो बहुत सारे फॉर्मूला है, मैं इस चैप्टर की यही आपको पॉइंट ऑफ नोटिफिकेशन बताना चाहूंगा कि वही बात है कि यहाँ इस चैप्टर में देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। मैं बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग कि ये टोटल जो 32 फॉर्मूला है उसके मैंने कोई थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स नहीं लिए अभी, क्योंकि हमने डिटेल में एनसीईआरटी सिलेबस में कवर किया हुआ है। अगर वो पॉइंट्स को अभी हम फिर से रिकॉल करेंगे तो शायद बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, बट कंसेप्ट क्लियर है तो अभी उस पॉइंट पर से मैंने फॉर्मूला डिस्कशन पे ही ज्यादा फोकस किया हुआ है। अलोंग विद दिस आई विल सेंड यू द वर्कशीट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यू हैव टू सॉल्व डाउन दैट। इफ एनी क्वेरीज आर देयर, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।